देखें हम यहाँ पर कुछ चंदन की प्लांटेशन की गई है, चंदन के पेड़ लगाए गए हैं और हमारे साथ कृषि अधीक्षक साथी हैं और वो विस्तार पूर्वक बताएंगे सर कि किस तरीके से चंदन की जो प्लांटेशन कैसे करना चाहिए। हमारे बच्चों को वो स्कूल में सिखाते भी हैं। आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे कि हमारे सर किस तरीके से इसको बच्चों को बताते हैं कैसे। आज हम प्रैक्टिकली वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये लगाया गया है पौध। तो देख सकते हैं ये चंदन का है, ये सफ़ेद चंदन। ओके ओके, अच्छा अच्छा, तो ये सफ़ेद चंदन का जो है, थोड़ा सा आप अंकल बताएंगे किस तरह से, कैसे क्या आपने, कैसे विचार आया इसका लगाने का? कोई विचार क्या, अब पौधों से लगाने थे, हमने तो लगाना है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कब, ये 15 साल 20 साल में जब कभी अगर होगा इसमें हार्ट फूट बढ़ती है, 8 साल बाद उसके बाद स्मेल आनी वगैरह शुरू होती है। अच्छा, अभी कुछ नहीं है, ये 12 से 15 साल में जब आएगा, मैच्योर होगा, तब इसके अंदर हार्ट फूट बनती है लाल रंग की। अच्छा, जो होती है उसी से फिर स्मेल आनी शुरू होती है। ये परजीवी होता है। अच्छा, अकेला नहीं चलता, तो इसके लिए ये लाल मेहंदी लगाई हुई है और ये अरहर की दाल, जब तक छोटा है ये तो उससे खाता है, और जब बड़ा हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा जब ये तो इससे होगा ये। अच्छा अच्छा, ये नीम लगाया हुआ और ये साथ में कैजूरेना है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? कैजूरेना। सूर का भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरू का या कैसा, इंग्लिश में कैजूरेना बोलते हैं। फिर तो अपन भोजन, फिर ये इनसे लेगा फिर भोजन। अच्छा, इनसे भोजन बनाएगा? हाँ, इसकी जड़ से यहाँ लेता है। ये लगाना जरूरी है? ये जरूरी है बिल्कुल, नहीं तो ये वो नहीं होगा। और ये बीच में पटला है, इसमें आपने आलू है? अच्छा, आलू बो रखे, बीच में आलू बो रखे हैं खाली जगह पे। ये एक लाइन जो है ये कस्टर्ड एप्पल की है। अच्छा, कस्टर्ड शरीफा जो बोलते हैं, शरीफा बोलते हैं जी। हाँ, बाकी नींबू की लाइन है एक आधी। टोटल कितने बीघे में है ये, आप एकड़ में? ये तो 5 बीघा में है चंदन, इसके बीच में ही शरीफा वगैरह लगा। अच्छा, बीच में लगा रखा। पूरा फार्म हाउस आपका? पूरा फार्म हाउस 75 बीघे का। अच्छा, ओके। उसमें 5 बीघे में सागौन है, 5 बीघे में ये है, 15 बीघे में ड्रैगन फ्रूट है, 10 बीघा में जो है अमरूद है। ये गुलाबी वाला अमरूद है, कौन सा ये? हाँ, वो ताइवान पिंक, ताइवान हाँ, ताइवान पिंक है, ताइवान पिंक है, ताइवान पिंक है, अंदर से हल्का गुलाबी होता है। चलिए अभी हम लोग चलेंगे उधर, हल्का गुलाबी पिंक ताइवान, क्योंकि काफ़ी फेमस है, इसमें मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है। नहीं ठीक है, अच्छे है, अभी लगाया 1.5-2 साल हुए हैं, पहली फसल अब की बार ली थी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। आपने ये अमरूद का जो बाग लगाया है सर, तो इसमें ये क्या वैरायटी है इसकी और इसकी क्या खासियत है? इसके बोलते हैं जी ताइवान पिंक। एवरेज साइज होता है 400 ग्राम तक का जी, जी। और काफ़ी अच्छा है, अंदर से गुलाबी होता है जी, को मीठा इसका स्वाद है जी। और अच्छा, ये अपने 2 साल का है जी। शुरू में मैंने फसल नहीं ली थी, क्योंकि आप पहली फसल, एक फसल ले चुके हैं। अच्छा अच्छा, अब इसमें दूसरी फसल आएगी। और ये बीच में आपने पटले पे ये चना? नहीं, चना नहीं है, ये मसूर है। अच्छा, मसूर है, मसूर। ओके ओके, मसूर कोई दिक्कत नहीं, बो सकते हैं? नहीं नहीं, कोई वो ये तो यहाँ तक अपना चलता है, उसके बाद बीच की जगह में मसूर अच्छा है। अच्छा। रेतीली मिट्टी है तो धूल ना उड़ेगी, और क्या हुआ, अच्छा है। तो इसका रिस्पांस कैसा रहा, मतलब मार्केट में आपकी डिमांड? मार्केट में यहीं देखो, किसान का तो जो बिकता है वो तो मंडी पे तो रेट अलग होते हैं, लेकिन यहीं हमारा तो यहीं से ही 20 रुपये किलो खुद जो है अपने तोड़ के ले जाते हैं, अपने आप तुलवा के पैसे दे जाते हैं। हमने कुछ इतना तोड़ना ना कुछ करना। अच्छा सर से बात करते हैं कि सर, अमरूद की जो वैरायटी इस समय पंतनगर वाला और इलाहाबाद और ये पिंक ताइवान, इनमें जो है क्या इतना बड़ा सा आ रहा है, मतलब उसका क्या थोड़ा सा फ़र्क बताइए जी। जी, फ्रूट देखो, फ्रूट में वेट भी ज़्यादा है, बड़ा फ्रूट है जो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो किसान को लाभ भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो कर रखा है अंकल जी ने, बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रखी है, और इंटर क्रॉपिंग भी की है, फ्रूट के साथ साथ मशहूर भी की है, और भी क्रॉप्स ली हुई हैं जो उनके लिए डबल अर्निंग है जी। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग फ्रूटिंग के साथ साथ और इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से अंकल जी ने की हुई है, तो जिससे और भी फायदे होंगे। तो मैं कहूँगा ये अमरूद बहुत अच्छी वैरायटी का यहाँ लगा हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, पिंक ताइवान जो अमरूद है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो गई है, फ्रूटिंग भी है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में लगी हुई है जी।
यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है ना जी, 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 तो सह फसली अगर हम करते हैं तो गर्मी का अफेक्ट बहुत फर्क पड़ता है, तो इसमें सह फसली अभी हमने इसमें आलू लिया था। अच्छा अच्छा हाँ, और इसके बाद अब हम इसमें मटर वो मूंगफली लगाएंगे। देखिए साथियों, एक फसल के साथ हम कई फसलें ले सकते हैं, मूंगफली है, मक्का है और आलू अभी लिया है सर ने, इस तरफ मुझे लगता है मटर किया हुआ है, इधर पे मटर किया हुआ है बीच में महोगनी के पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुगनी महोगनी है, इमारती लकड़ी होती है, बहुत अच्छी लड़की है, 12-15 साल में तैयार होती है। अच्छा अच्छा, लेकिन लगाई है, ये ऊपर चला जाता है तो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी, काफी लंबा जाता है। ये जो लगा ना ये महोगनी का ही है, तो ये सिर्फ ऊपर इतने ही पत्ते रहेंगे सिर्फ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये महोगनी पेड़ है, लकड़ी बहुत इमारती लकड़ी है। पानी के जहाज मैरिन उसमें बहुत गलता नहीं है, ये छोटी मोटी बहुत बढ़िया चीज है, लाल रंग की बहुत अच्छी मजबूत लकड़ी होती है। तो इसका ये प्लांट आप कहाँ से लाए हैं? ये तो अब तो लोकल भी मिलने लगा, लेकिन बहुत सी जो है ये इसकी एग्रो बेस कंपनियाँ हैं वो यहीं आके दे जाती है। ओके ओके, चलिए अब हम पानी, इसकी जो आपने पाइपलाइन बिछा रखी है इसके बारे में, जैसे ये हमारी जो सैंडी सॉयल है, अच्छा, तो अगर हम फ्लडेड वाटर देते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा जी, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन है ये जी, जी। टपक प्रणाली जिसको बोलते हैं वो है इसको। ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत कम चाहिए, इतना ज़्यादा पानी काम पानी की जरूरत नहीं है, यानी कि देखिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पानी का दोहन जो कहते हैं हमें, जल का दोहन नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए बड़ा अच्छी बात है कि इस तरीके की जो जैविक खेती के तहत इस तरीके की फसलें आ रही हैं जिसपे हम कम लागत से या कम पानी से उसमें अच्छी पैदावार कर सकते हैं। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस बीच, क्योंकि इस समय अति गंभीर परिस्थितियां हैं जी, जी 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 सर, चाहे वो कृषि से हो, चाहे कंप्यूटर से हो, चाहे चित्रकला से हो या खेल से हो। जी जी सर, सर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, हम लोग 2013 से कंटिन्यू अपने काम पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं कृषि से हूँ, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जैसे गीता में लिखा हुआ है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, लेकिन अब समय ऐसा आ चला है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हम मुख्यमंत्री जी से श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी लगन से निष्ठा से काम कर रहे हैं, हम बच्चों को कंटिन्यू समय से जाके सब कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कुछ हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, मुख्यमंत्री जी से यही मेरी अपनी तरफ से गुजारिश है। सर आप जैसा कि 2013 से लगातार बच्चों को सिखा रहे हैं और देश के लिए एक प्रशिक्षित किसान देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लगाया भी इसीलिए गया है आप लोगों को, क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे इस बीच, क्योंकि अल्प मानदेय में कैसे गुजारा हो पाता होगा आपका? हम अपने श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ही निवेदन करेंगे, हमने बच्चों के लिए इतना प्रयास करके अपने हर कोशिश कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में उन्हें प्रैक्टिकली बताते हैं, जाते हैं और अपने मानदेय से काफ़ी रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और अब आपको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे इतने अल्प मानदेय जो 9,000 रुपये अभी इस बढ़ाए मात्र 3-4 महीने अप्रैल से, उस समय तो हम 7,000 में काम कर रहे थे, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दें, जिससे हम अपने बच्चों को भरपूर शिक्षा दे सकें, उनको भी आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।